असलम जी वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट आज के लेक्चर में हम अपना लेसन फाइव जो है वो कम्प्लीट डिस्कस करेंगे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे इस लेक्चर में कवर किए जाएंगे आई थिंक फाइव से सिक्स तक कुछ टॉपिक्स हैं जो कि एजसेट इतने ज़्यादा टफ नहीं है बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपने थोड़ी सी इस पर अटेंशन देनी है टॉपिक सेवेंटीन है एरर एनालिसिस मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी हाईलाइट की हैं अगर आपको ये हैंड आउट चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं आप लोगों को ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा और उसमें हैंड आउट सेंड कर दिए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर पी डी एफ की फॉर्म में हैंड आउट सेंड नहीं हो पा रहे इस वजह से आप लोगों को ग्रुप में ये सेंड कर दिए जाएंगे सो so स्टार्ट करते हैं पहले तो हमें एरर के बारे में बताया गया कि एरर बेसिकली होता क्या है ये डेफिनेशन बहुत दफ़ा रिपीट हुई है एरर बेसिकली लैंग्वेज लर्निंग में कब पैदा होता है जब हम किसी रूल की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं जो कि लैंग्वेज का रूल होता है ठीक है उसके अलावा वो सेकेंड पॉइंट में बताते हैं अकॉर्डिंग टू कोर्डर कि ये टेक प्लेस होता है वेन द डेविएशन अलाइज ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज यानी कि हमारी नॉलेज की कमी की वजह से होता है एरर ठीक है उसके अलावा ये खुद से करेक्ट नहीं किया जा सकता एरर कैन नॉट बी सेल्फ़ करेक्टेड तो ये तीन पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों ने एरर में डालने हैं अगर आप लोगों से एरर की डेफिनेशन पूछी जाएगी उसके अलावा अकॉर्डिंग टू जे रिचर्ड क्या बताया गया है कि एरर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है वो वर्ड स्पीच या किसी ग्रामेटिकल आइटम का एक तरह से नामुकमल वे में हम जो है वो यूज़ करते हैं जो कि नामकम्मल सीखने की वजह बनता है ठीक है तो ये दो तरह से इसको बताया गया है इन सिंपल वर्ड अगर मैं बताऊँ तो Richard कहता है कि एक गलती उस वक़्त होती है जब हम किसी लफ्स या ग्रामर को इस तरह इस्तेमाल करते हैं जिससे जाहिर होता है कि आप अभी सीख रहे हैं और अभी इसमें आपको महारत हासिल नहीं हुई ठीक है तो ये अकॉर्डिंग टू रिचर्ड उसके कहने का मतलब है जो कि यहाँ बताया गया उसके अलावा अकॉर्डिंग टू जेम्स क्या बताया गया कि एरर राइसिस ओनली वन देर वॉज नो इंटेंशन टू कमिट वन यानी कि जब हमारा कोई करने का इरादा नहीं होता तब एरर हो जाता है ठीक है लैंग्वेज में तो ये सारी चीजें जो है वो एरर के बारे में बताई गई थी ठीक है आप लोगों ने ये डेफिनेशन से कुछ पॉइंट्स अगर आप लोगों को जे रिचर्ड के अकॉर्डिंग पूछी गई डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जेम्स पूछी गई अकॉर्डिंग टू कोडर पूछी गई तो आप लोगों ने तीनों डेफिनेशन जो है वो इस लिहाज से याद कर लेनी है उसके अलावा हमारे पास मिस्टेक आ जाता है कि मिस्टेक क्या होता है ये बेसिकली स्लिप ऑफ टंग आप कह सकते हैं या कोई रैंडम गेस की वजह से होता है कुछ अचानक से होना और जब वो हम नोटिस करते हैं तो हम उसको ईजीली फिक्स कर लेते हैं इसको हम मिस्टेक कहते हैं ठीक है उसके अलावा अगर हम एरर और मिस्टेक का डिफरेंस देखें तो मिस्टेक को तो हम इजीली करेक्ट कर सकते हैं लेकिन एरर जो होता है वो एक तरह से एक नुमाया डिफरेंस होता है एक नोटिसेबल डेविएशन होती है नेटिव स्पीकर से अगर वो इंग्लिश का नेटिव स्पीकर है ठीक है करेक्ट वे में जो है वो लैंग्वेज यूज़ करना जो है वो चेंज हो जाता है एरर में ठीक है तो एरर में आप लोगों ने बात याद रखनी है कि ये एक बकायदा या एक नुमाया जो है वो डेविएशन होती है एक नुमाया डिफरेंस होता है और लर्नर जो होता है इसे इतनी आसानी से दुरुस्त नहीं कर सकता और ना ही इसको इतनी आसानी से दुरुस्त किया जाता है जितना हम एक आम गलती को दुरुस्त कर सकते हैं ठीक है तो एरर जो होता है ये एक नोटिसेबल डेविएशन होती है आप लोगों ने ये क्विज़ के तौर पे इसको याद रखना है बाकी चीज़ें मैंने सारी आप लोगों को एरर में ऊपर वाले टॉपिक में बता दी हैं वो सारी आप लोग याद रख सकते हैं कि बेसिकली बायदा रूल के वायलेशन की वजह से होता है ठीक है देन हमारे पास हमारा टॉपिक एटीन आ जाता है जिसमें कुछ कॉन्ट्रास्ट बताए गए हैं बिटवीन बिहेवियरिस्टिक एंड मेंटलिस्टिक एटीट्यूड टू एरर तो अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस व्यू देखा जाए तो उनका क्या मानना है कि लैंग्वेज सीखना जो है वो एक तरह से एक हैबिट की तरह है आदत बनाने के एक तरह से मुतरद है थ्रू रेपिटेशन और रे इन्फोर्समेंट रे किसे कहते हैं रिवॉर्ड्स के थ्रू तो ये उन्होंने जो है वो इस तरह से इसको बताया है जहाँ गलतियों को नाकामी के तौर पर देखा जाता है ठीक है उसके अलावा अगर हम मेंटलिस्ट व्यू की बात करें तो ये कहते हैं कि गलतियाँ आम हैं और ये सीखने यानी कि लर्निंग का एक पार्ट है हिस्सा है और ये लैंग्वेज रूल्स में मास्टरी की तरफ हमारी प्रोग्रेस जो है वो ज़ाहिर करता है और वो गलतियों को एक तरह से पॉजिटिव वे में देखते हैं एक मिसबत तौर पर देखते हैं तो ये हमारे पास दो व्यूज़ थे जो कि यहाँ बताए गए हैं आप लोगों ने इन्हें अपने वर्ड्स में लिखना है ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना ठीक है उसके बाद हमारे पास टॉपिक नाइन्टीन है जिसमें जस्ट बताया गया वट इज़ एरर एनालिसिस तो एनालिसिस किसे कहते हैं एनालाइज़ करना है एरर को ठीक है तो, according to coder, तो आप लोगों तो ने इसकी याद करनी है कि क्या होता है है गलतियों को errors को जो है वो लर्नर लैंग्वेज में इसको कंपेयर करना है टारगेट लैंग्वेज से इन सिंपल वर्ड हम क्या करते हैं एक तरह से एनालाइज करते हैं इन्वेस्टिगेशन होती है बकायदा ठीक है हम खुद करते हैं एरर को एनालाइज हमारे टीचर्स करते हैं तो एनालाइज करना गलतियों को एरर्स को लैंग्वेज लर्निंग में और इसको कंपेयर करना है टारगेट लैंग्वेज से ठीक है मजीद जो यहाँ पर चीज़ें मैंने हाईलाइट नहीं की बेसिकली इसमें बताते हैं कि इसके गोल्स क्या होते हैं पहला गोल तो होता है कि एरर होते क्यों हैं ठीक है उस पर जो है वो एनालिसिस होता है बाकायदा और दूसरा ये क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन टीचर्स को किस लिए करेक्शन के लिए ठीक है उसके अलावा यहाँ जो नीचे है वो बताया गया कि ये स्टीफन पिट कोर्डर जो है उसके थ्रू नाइनटीन सिक्सटीज़ में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और ये स्टूडेंट की लैंग्वेज प्रोफिशेंसी को असेस करने के लिए और गाइड करने के लिए भी यूज़ होती है ठीक है तो ये आप लोगों ने याद करना है इसमें एज सच डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट अगर आप लोगों से मज़ीद उन्होंने एज़ लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया तो आप लोग जो है वो गोल्स ख़ुद से लिख सकते हैं यहाँ पर जो पॉइंट्स बताए गए हैं ठीक है थीके? और मजीद आप लोगों ने इनाम या याद रखना है जो कि आप लोगों को एम सी क्यूज में आप लोगों को क्विज़ में आ सकता है ठीक है उसके तो बाद टॉपिक ट्वेंटी देख लेते हैं जिसमें बताया गया नेचर एंड परपज़ ऑफ एरर एनालिसिस अब यहाँ पर ये जो दो पैराग्राफ्स हैं ना ऐसे ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैं आप लोगों को इसकी मेन मेन से पॉइंट्स बता देती हूँ ताकि आप लोगों कन्सेप्टस के तौर पे इसको याद रखें यहाँ बेसिकली बताया गया है कि एरर एनालिसिस सेकंड लैंग्वेज लर्निंग या जो हमारी टारगेट लैंग्वेज लर्निंग होता है उसमें मिस्टेक्स को स्टडी करता है एरर्स वो बताता है कि अन इंटेंशनल होते हैं जो कि वजह बनते हैं इनकम्प्लीट लैंग्वेज मास्टरी उसकी वजह बनते हैं इस वजह से होते हैं उसके अलावा अगर हम मिस्टेक्स की बात करें तो मिस्टेक्स जो है ये मेमोरी लिमिटेशन जो होती है उसकी वजह से होते हैं और ये इर हो सकते हैं तो यहाँ पर बेसिकली एरर और मिस्टेक इन दो का जो है वो बताया गया और उन्हीं को डिस्कस किया गया आप लोगों ने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों को इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उसके अलावा एरर्स को स्टडी करने की दो अप्रोचेज़ हैं यहाँ पर वो दो अप्रोचेज़ बताते हैं कॉन्ट्रास्टिव अप्रोच है दूसरी हमारे पास एर एनालिसिस है कॉन्ट्रास्टिव अप्रोच जो होती है वो फोकस करती है नेटिव लैंग्वेज की हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसकी इंटरफेरेंस पर कि कैसे ये एरर पैदा करती है हमारी टारगेट लैंग्वेज में उसके अलावा अगर हम एरर एनालिसिस की बात करें तो ये सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग की स्ट्रेटजीज़ जो होती हैं उनको एड्रेस करता है एरर एनालिसिस ये कंपेयर करता है एरर्स को टारगेट लैंग्वेज में इंप्रूव करने के लिए टीचिंग मेथड्स को नई लैंग्वेज में ठीक है तो ये बेसिकली एरर एनालिसिस था एरर को एनालाइज़ करना है कॉन्ट्रास्टिव अप्रोच में आपने दोनों लैंग्वेज़ को कॉन्ट्रास्ट में कंपेयर करना है ठीक है तो ये हमारा सारा यहाँ पर मजीद बताया गया उसके नीचे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट की हैं एम्स क्या होते हैं एरर एनालिसिस के अब यहाँ पर बताया गया है कि जो प्राइमरी एम्स होते हैं एरर एनालिसिस के पहले तो आइडेंटिफाई करना है टाइप्स एंड पैटर्नस ऑफ एरर यानी कि जब लोग लर्न करते हैं नई लैंग्वेज को तो उस दौरान होने वाली मिस्टेक्स को एरर्स को जो है वो समझना दूसरा हमारे पास इस्टेब्लिश करना एरर टेक्सनॉमिक मीन्स के क्रिएट करना एक ऑर्गेनाइज लिस्ट इन एरर्स की तीसरा पॉइंट क्या होता है कि इन टिपिकल चैलेंजेस जो होते हैं उनको रेकोगनाइज़ uh, करना ठीक है चौथा क्या पॉइंट होता है कि जो हमारी जनरल नॉलेज होती है कि कैसे लोग लर्न करते हैं न्यू लैंग्वेज उसको ऐड करना होता है यानी कि डीपर अंडरस्टैंडिंग शामिल होती है और पांचवें पॉइंट में क्या होता है कि अपडेट करना थे रिज को अबाउट लैंग्वेज लर्निंग तो यहाँ पर पांच पॉइंट्स बताए गए थे जो कि हमारे पास एम्स थे एरर एनालिसिस की अगर हम जस्टिफिकेशन देखें एरर एनालिसिस की तो ये जो है वो कोडर सजेस्ट करता है दे आर टू जस्टिफिकेशन फॉर स्टडिंग लर्नर्स एरर तो एक तो ये रेलिवेंस होनी चाहिए लैंग्वेज टीचिंग से मतलब कि रेलिवेंट होना चाहिए लैंग्वेज टीचिंग के दूसरे दूसरा द स्टडी ऑफ द लैंग्वेज एक्विजीशन प्रोसेस तो ये दो यहाँ पर जस्टिफिकेशन है जस्ट जो इसमें शामिल हैं और होनी चाहिए एरर एनालिसिस में एक बायदा लैंग्वेज एक्विजीशन प्रोसेस की स्टडी है बेसिकली यहाँ पर टीचर्स की इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया अगर उसको इन्हेंस करना उसकी अंडरस्टैंडिंग वगैरह वो सब शामिल है उसके अलावा ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं एरर एनालिसिस के दो हैं एक थोरेटिकल है दूसरा हमारे पास अप्लाइड है ये भी अकॉर्डिंग टू कोर्डर बताए गए हैं टू मेन ऑब्जेक्ट्स हैं तो अगर जो हम थ्योरेटिकल की बात करें तो ये फोकस करता है कि लर्ना चाहे वो कैसे और क्या लर्न करता है लैंग्वेज में उसके अलावा अप्लाइड जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये इसमें हम यूज़ करते हैं नॉलेज अपनी नेटिव लैंग्वेज की लैंग्वेज को लर्न करने में तो ये हमारे पास अप्लाइड है ऑब्जेक्ट और दूसरा हमारे पास एक हमारा थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट है दोनों आप लोगों ने याद करने हैं उसके अलावा वाई इज़ ई ए डन यानी कि ई ए एरर एनालिसिस क्यों किया जाता है अब यहाँ पर एरर एनालिसिस के थ्री परपज़ेज जो हम एक्सप्लेन किए गए हैं फर्स्टली आपको क्या करना है टू फाइंड आउट द लेवल ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशियंसी जो हमारी हम कितने माहिर हैं लैंग्वेज में उस प्रोफिशियंसी को उस महारत को जो है वो फाइंड आउट करना है द लर्नर हैज़ रीच जिस पर पहुँच चुका है उसके अलावा सेकंडली ऑप्टेन है इनफॉर्मेशन अबाउट कॉमन डिफिकल्टीज ठीक है थर्डली क्या होता है कि कैसे पेपर लर्न करता है लैंग्वेज उसको फाइंड आउट करना है तो ये तीन हमारे पर्पजेज़ हैं जो होने चाहिए कोर्डर एक्सपेनशन एरर की क्या है कोडर के अकॉर्डिंग ये डिस्टिंग्विश करता है फ़र्क बताता है बिटवीन सिस्टमेटिक एंड नॉन सिस्टमेटिक एरर अगर हम नॉन सिस्टमेटिक एरर्स की बात करें वो तो किसी की नेटिव लैंग्वेज में होते हैं और जो सेकेंड लैंग्वेज एरर्स होते हैं ये सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं जो कि हमारी टारगेट लैंग्वेज के एरर्स को आ, बताता है ठीक है या आइडेंटिफाई करता है तो उसके अलावा हमारे पास टॉपिक ट्वेंटी वन है जिसमें हमने स्टेजेस पढ़नी है एरर एनालिसिस की फाइव स्टेजेस हैं एरर एनालिसिस की क्विज़ में आपको रिपीट होगा पहला हमने क्या करना होता है कलेक्ट करना होता है डाटा आइडेंटिफिकेशन होती है एरर्स की डिस्क्रिप्शन होती है एरर की एक्सप्लेनेशन होती है और वैल्यूएशन होती है ठीक है तो ये पाँचों को उन्होंने यहां पर डिस्क्राइब किया गया शोर्ट शोर्ट फिल्म में मैंने इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर दी हैं अब यहाँ पर कलेक्शन ऑफ डाटा बताया गया अगर हम कलेक्शन ऑफ़ डाटा को शॉर्ट वे में देखें तो इसको मैं तीन स्टेप्स में आपको बताने की कोशिश करूँगी पहले तो पहला स्टेप है कि हमने जमा करना होता है डाटा जो रेलेवेंट डाटा होता है उसके अलावा ये जो रेलेवेंट डाटा होता है ये रिटर्न और स्पोकन दोनों हो सकते हैं ठीक है जो भी हमारा गोल है जिससे रेलेवेंट भी हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसके अलावा दूसरा जो स्टेप है इसमें हमने जो है वो सैम्पल साइज़ की बेस पर इसको थ्री टाइप्स में एरर एनालिसिस को क्लासीफाई करना होता है ठीक है या क्लासीफाई किया है यहाँ पर अब वो थ्री टाइप्स कौन कौन सी हैं अब हमारे पास थर्ड स्टेप आ जाता है यहाँ पर आपको सैंपल में डिफिकल्टीज हो रही होंगी सैंपल यहाँ पर बेसिकली रेफर कर रहा है कि इसमें हमने कलेक्ट करनी है जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको जमा करना है गैदर करना है ठीक है क्या जितने भी लर्नर्स होते हैं उनसे हमने डाटा गैदर करना होता है उनसे डाटा इकट्ठा करना होता है ठीक है कलेक्शन ऑफ डाटा जो है वो हमारे पास तीन तरह के यहाँ पर सैंपल्स हम हमारे साथ शेयर किए गए हैं एक मैसिव सैंपल है दूसरा स्पेसिफिक है और तीसरा इंसिडेंटल है अगर तो हम मैसिव सैंपल की बात करें तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स जो होते हैं वो शामिल होते हैं जिसमें हम मल्टीपल सैंपल्स जो है वो इकट्ठे करते हैं फ्रॉम फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स ठीक है स्पेसिफिक में क्या होता है इसमें लिमिटेड नंबर होते हैं ऑफ लर्नर्स भी और जितना डाटा उनसे लिया जाता है वो भी लिमिटेड होता है इंसिडेंटल में क्या होता है कि सिंगल लर्नर है ठीक है और वो प्रोड्यूस्ड करेगा आपको वन सैम्पल ऑफ लैंग्वेज ठीक है तो ये हमारे पास तीन तरह के यहाँ पर सैम्पल्स यूज़ किए गए थे जो कि कलेक्ट करते हैं डाटा उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ एरर आ जाता है इसमें हमने डाटा कलेक्ट करने के बाद एरर्स को आइडेंटिफाई करना होता है मिस्टेक्स से इसको कंपेयर करके जो है वो फ़र्क करना होता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर में होती हैं और एरर्स को आइडेंटिफाई करना इन्वॉल्व है फोर क्वेश्चन में अब वो चार तरह के क्वेश्चन हैं पहला क्वेश्चन जो है वो बताते हैं इस टू सेट अप वट टारगेट लैंग्वेज शुड बी यूज यानी कि कौन सी लैंग्वेज हम स्टडी कर रहे हैं सेकेंड जो पॉइंट है उसमें एरर और मिस्टेक्स में क्या फ़र्क है ये बता रहे हैं उसके अलावा हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है या थर्ड क्वेश्चन जो है इज़ अबाउट इंटरप्रटेशन है यानी कि कैसे हम एरर्स को इंटरप्रेट करते हैं टू इंटरप्रटेशन है देखते कैसे हम एरर को एक हमारे पास कोवर्ट आ जाता है दूसरा हमारे पास ओवर्ट आ जाता है ठीक है अगर हम ओवर एर देखें तो इसमें हम वाजिया तौर पर जो गलती होती है ठीक है उसको वाजिया तौर पर देखते हैं और अगर हम कोवर्ट एरर की बात करें तो, तो ये छुपी हुए जो एरर्स होते हैं छुपी हुई गलतियां होती हैं उनको हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल Uh, कुछ जो है वो देखने में तो ठीक लग रहा है मगर इसका जो मतलब होता है वो मुख्तु हो सकता है तो इसको हम कोवर टेरर कहते हैं उसके अलावा यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन जो है इस फोकसड ऑन डेविएशन यानी कि इसमें जो है वो हम किस किस्म की वेरिएशन देख रहे हैं ठीक है उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन शामिल होती है ठीक है दो किस्में हैं एक हमारे पास करेक्टनेस है और जो दूसरा है वो अप्रोप्रिएटनेस है करेक्टनेस ये तब होता है जब कोई रूल हम तोड़ते हैं लैंग्वेज के और जो अप्रोप्रिएटनेस है जिसका कोई मतलब ना हो इसे ऐसे यूज़ करना है, तो ये हमारे पास जो है वो दो तरह की यहाँ पर डेविएशन थी जो बताई गई थी दो तरह की वेरिएशन थी जो शेयर की गई थी उसके अलावा हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर आ जाते हैं इसमें हम क्या करते हैं हम लर्नर का जो लैंग्वेज का यूज़ करना होता है ना यूनिक वे में उसको कंपेयर करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं डिफ्रेंसेज को ठीक है तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर्स है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया है देन हमारे पास जो है वो फोर तरह की ग्रामेटिकल कैटेगरीज आ जाती हैं जो कि एलिस जो है वो सजेस्ट करता है या आप लोगों ने नाम याद रखना है पहला हमारे पास ओमिशन आ जाता है एक ऐसी चीज़ को छोड़ना जो कि करेक्ट ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी होता है ठीक है इसको हम ओमिशन कहते हैं अगर हम कॉमन टाइप्स ऑफ ओमिशन देखें तो उसमें हमारे पास एडिशन आ जाता है सब्सटीट्यूशन आ जाता है और मिस इन्फॉर्मेशन आ जाता है अगर तो हम एडिशन की बात करें तो इसमें हम अननेसेसरी एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और अगर हम सब्सटीट्यूशन की बात करें तो इसमें हम रोंग एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी सब्सटीट्यूशन करते हैं यानी कि सब्सिटीट्यूट करते हैं रॉन्ग एलिमेंट्स को उनका यूज़ करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन और मिस ऑर्डरिंग ये दो तरह के नाम हैं जो कि एक ही वर्ड को रेफर करने के लिए यूज़ किए गए हैं इसमें हम क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं रॉन्ग फॉर्म्स ऑफ मॉरफीम तो ये आप लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है उसके अलावा थ्री टाइप्स ऑफ एरर अकॉर्डिंग टू देयर सिस्टमेटिसिटी जो है वो शेयर किए गए हैं तीन हैं कौन कौन से हैं प्री सिस्टमैटिक है पहले पहला तो प्री सिस्टमैटिक में क्या होता है कि जब लर्नर जो होता है वह अनअवेयर होता है यानी कि अवेयर नहीं होता किसी पार्टिकुलर रूल से टारगेट लैंग्वेज में ठीक है तो ये रैंडम होते हैं उसके अलावा अगर हम सिस्टमेटिक की बात करें तो ये कब अक्कर होता है कि जब लर्नर डिस्कवर करता है कोई रूल जो कि रोंग होता है गलत होता है पोस्ट सिस्टमैटिक कब होता है कि जब लर्नर जानता होता है करेक्ट टारगेट लैंग्वेज रूल को लेकिन जो वो इनकनसटेंटली यानी कि गलत तौर पर मिस्टेक्स करता है उसको यूज़ करता है ये हमारे पास पोस्ट सिस्टमेटिक है ठीक है उसके अलावा हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ एरर आ जाता है एक्सप्लेनेशन ऑफ एरर जो होता है बेसिकली इन्वॉल्व होता है एरर्स को आइडेंटिफाई करने में कि क्यों मिस्टेक्स होती हैं लैंग्वेज लर्निंग में ठीक है अब इसमें सोर्सेज हो सकते हैं अब वो कौन कौन से सोर्सेज हैं साइकोलिंग्विस्टिक सोर्स है सोशोलिंग्विस्टिक है एंड डिस्कोर्स सोर्स है अगर हम साइकोलिंग्विस्टिक्स बात करें साइकोलिंग्विस्टिक सोर्स की बात करें तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग मैं जस्ट शॉर्ट वे में आपको बताऊंगी कि कैसे हमारा ब्रेन जो है वो हैंडल करता है लैंग्वेज को ठीक है ये हमारे पास साइकोलिंग्विस्टिक सोर्स है और जो इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है वो क्या है कि ये इश्यूज के तौर पर अगर हम इसको देखें तो ये रिलेट करता है लर्निंग डिफिकल्टीज से उसके बाद अगर हम सोशल लिंग्विस्टिक सोर्स की बात करें तो कैसे हम सोशल सेटिंग में लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास सोशल लिंग्विस्टिक सोर्स है और अगर इसका भी नेगेटिव एस्पेक्ट देखें तो ये इशू के तौर पर अगर देखा जाए तो सोशल अडेप्टशन से हम इसको किस तरह अडेप्ट करते हैं ये सारी चीज़ें डिस्कोर्स सोर्स में क्या होता है कि कैसे हम स्ट्रक्चर करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को सेंटेंस में तो ये हमारे पास तीन तरह के कॉन्सेप्ट थे उसके अलावा हमारे पास सोर्सेज ऑफ एरर्स जो हैं वो बताते हैं कि इंटर भी हो सकते हैं और इंट्रा भी हो सकते हैं अगर हम इंटर में देखें तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये एल वन और एल टू इंटरफेरेंस की, की वजह से होता है उसकी मदाखलत की वजह से होता है तो इसमें जो है वो हमारे पास ट्रांसफ़र एरर है यानी कि हम अपनी एल वन यानी कि जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसका यूज़ करते हैं देन हमारे पास इंट्रा लैंग्वल आ जाते हैं तो ये जो हमारे पास एरर होते हैं ये हमारी जो लैंग्वेज लर्निंग है उसके अंदर होते हैं और ये सिस्टमेटिक भी हो सकते हैं जहाँ जो हमारा लर्नर होता है वो क्रिएट करता है ऐसे रूल्स जो कि डिफरेंट होते हैं टारगेट लैंग्वेज से ठीक है उसके अलावा अगर हम यूनिवर्सल एरर की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं लर्नर uh, जो है वो कमिट करता है सेम ग्रामेटिकल एरर्स एक ही जैसे ठीक पर लर्नर जो है वो सेम एक ही जैसे ग्रामेटिकल एरर करते हैं जो एक तरह से यूनिवर्सली भी हो सकते हैं एंड देन हमारे पास ओवर जनरलाइज्ड एरर आ जाता है इसमें हम क्या करते हैं कि हम कंसिस्टेंटली जो है वो यूज़ कर रहे होता है गलत फॉर्म्स को यानी कि एक फॉर्म हमने रट लिया है एंड देन हम उसको उन सिचुएशंस पर भी लगा रहे हैं जहाँ पर लगाना नहीं बनता है इसको हम ओवर जनरलाइज एरर कहते हैं ठीक है देन हमारे पास इवेलुएशन आ जाती है एरर्स की इवेल्युएशन ऑफ एरर्स जो होता है इसमें टीचर्स जो होते हैं वो करेक्ट करते हैं एरर्स को इसके हमारे पास टू व्यूज हैं जो एग्जिस्ट हैं करेक्शन पर ठीक है यानी कि जोर डालता है सेल्फ करेक्शन पर थ्रू री टीचिंग तो ये इसमें बताया गया जो मैंने हाईलाइट कर दिया है देन हमारे पास टेक्निक्स जो है वो करेक्टिंग एरर की क्या है पहला हमारे पास टीचर कोेक्ट टेक्निक्स हैं देन सेल्फ कुरेक्शन देन पेयर कुरेक्न पेयर कुरेक्शन किसे कहते हैं जो पेयर में दो स्टूडेंट्स जो है वो एक दूसरे को करेक्ट कर रहे हैं यहाँ कोलैबोरेटिव लर्निंग के दौरान करेक्शन का प्रोसेस चलना तो इसको हम पेयर करेक्शन कहते हैं तो यहाँ तक हमारा टॉपिक ट्वेंटी वन था देन हमारा टॉपिक ट्वेंटी टू आ जाता है बहुत ईजी है कॉजिज़ ऑफ़ एरर एनालिसिस जो है वो मदर टंग इंटरफेरेंस से हो सकते हैं यानी कि हम अपनी नेटिव लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं केयरलेसनेस में क्या होता है कि ये लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से होता है बल्कि टीचर भी ये बात एडमिट करते हैं कि ये हमेशा स्टूडेंट का फॉल फॉल्ट नहीं हो सकता बल्कि ये उस मटीरियल की वजह से भी हो सकता है जो कि उन्हें सूट नहीं करता या फिर उनके इंटरेस्ट को और ज़्यादा कम कर देता है ठीक है ट्रांसलेशन क्या होता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ़ एरर है यानी कि इसमें स्टूडेंट जो होता है वो ट्रांसलेट करता है अपनी फर्स्ट लैंग्वेज सेंटेंसेस को इनटू द टारगेट लैंग्वेज वर्ड बाय वर्ड ठीक है देन हमारे पास लॉन वर्ड्स आ जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो वो स्पेलिंग जो लॉन वर्ड्स के होते हैं उन्हें ईजिल याद रख लेते हैं रेदर देन द स्पेलिंग ऑफ ओरिजिनल इंग्लिश वर्ड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नंबर है तो उसकी जगह नंबर्स यूज करते हैं यहाँ पर मिस्ट्री है तो एम आई एस टी आर आई वाला मिस्ट्री यूज करते हैं तो लॉन वर्ड्स की अगर बात की जाए तो ये हम किसी लैंग्वेज से बोरो करते हैं वर्ड्स फॉर एग्जांपल जापानीज लैंग्वेज से सुशी वर्ड हम इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से कुछ वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करना देन हमारे पास इनहेरेंट डिफ़िकल्टीज ऑफ टारगेट लैंग्वेज आ जाता है कुछ इनहेरेंट डिफ़िकल्टीज हैं जैसे कि प्रीच डू रीच्ड एक पैटर्न फॉलो करता है जो कि पास्ट टेंस का पैटर्न है जिस तो पर हमारे ई डी आता है ठीक है लेकिन वहीं पर अगर हम टीचर के साथ ई डी लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा टीच्ड जो है वो गलत हो जाएगा ऐसे ही टूथ का जो है वो टीथ होता है तो स्टूडेंट जो है इसी तरह बूथ का जो है वो बीथ यूज़ करते हैं जो कि गलत है तो ये जो चीज़ है ये इनहेरेंट डिफ़िकल्टीज़ हैं टारगेट लैंग्वेज की जो कि एक तरह से कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज बना देती हैं इसको देन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट इंटरलिंग इंट्रालिंगुअल एरर आ जाता है जो कि रिचर्ड जो है वो डिस्टिंग्विश करता है टू टाइप्स ऑफ एरर को इंटरलिंगुअल एरर जो है ये मदर टंग इंटरफेरेंस की वजह बनता है और अगर हम इंट्रालिंगुअल एरर की बात करें तो ये कब होता है जब आपने मुकम्मल तौर पर जब वो नॉलेज हासिल नहीं की होती फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमारे पास दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं एक हमारे पास ओवर जनरलाइजेशन आ जाता है और दूसरा हमारे पास इग्नोरेंस ऑफ रूल रेस्ट्रिक्शन आ जाता है ठीक है ये हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर वर्ड्स यूज़ किए अब यहाँ पर ओवर जनरलाइजेशन की बात आ रही है कि इसमें जो है वो लर्नर क्या करता है कि डिफरेंट सिचुएशन में इजी से रूल अप्लाई करता है एंड देन उन्हीं रूल्स को उन सिचुएशन में अप्लाई करने लग जाता है जहाँ पर वो लगाने नहीं बनते ठीक है कंसिस्टेंटली तो वो गलतियाँ जो है वो पक्की होती रहती हैं अब एग्जाम्पल और इसके करेक्शन बताई गई है कि ही कैन सिंग और इसके करेक्शन के ही सिंग्स देन इग्नोरेंस ऑफ रूल रिस्ट्रिक्शन में क्या होता है कि लर्नर अप्लाई करता है कुछ रूल्स वहाँ जहाँ अप्लाई करना नहीं बनता, या तो ये हमारे पास इग्नोरेंस ऑफ रूल रेस्ट्रिक्शन की एग्जाम्पल भी आगे दी गई है उसके अलावा अगर हम इंटरलिंगुअल में देखें तो उसके हमारे पास दो कैटेगरीज थी दो एग्जाम्पल थी ओवर जनरलाइजेशन और, और इग्नोरेंस ऑफ रूल रेस्ट्रिक्शन अगर हम इंट्रालिंगल की बात करें तो उसकी दो एग्जांपल्स कौन सी हैं एक हमारे पास इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ऑफ रूल्स है और दूसरी हमारे पास फॉल्स हाइपोथेसिस है ठीक है तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना ठीक है, है तो अगर हम इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ऑफ रूल्स की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं कि फुली डेवलप्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते ठीक है और वो नहीं लगाते उसकी भी एग्जाम्पल दी गई है और फॉल्स हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं कि इसमें लैंग्वेज के बारे में हमारे पास इनकोक्ट बिलीफ और एजम्शनस होती हैं ठीक है ठीके? इसकी भी एग्जाम्पल और करेक्शन आगे दी गई है आप लोग उसे कर लीजिएगा अगर आप लोगों को ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो यहाँ आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना यहाँ पर आप लोगों ने कि इंटर क्या है इंट्रा क्या है दोनों डेफिनेशन बता दी हैं एंड देन वटर लिंगुल के एग्जाम्पल्स बताते हैं एक ओवर जनरलाइजेशन और एक इग्नोरेंस ऑफ रूल रिस्ट्रिक्शन देन हमारे पास नीचे जो है वो दूसरी दो एग्जाम्पल्स दूसरे वाले पार्ट के हैं जो कि

ओवर जर्नलाइजेशन आ जाती हैं जो कि चिल्ड्रन की अर्ली स्टेज़ uh, को अर्ली लैंग्वेज लर्निंग स्टेज़ज़ जो हैं उसको हाईलाइट करता है और उसको बताता है ठीक है अब वो तीन तरह के फेज आ जाते हैं जहाँ पर बच्चे ओवर लैप करते हैं रेगुलर ग्रामर रूल को इरेगुलर ग्रामर रूल से जैसे कि वो गो की जो पास्ट फॉर्म होती है गोड यूज करते हैं बजाय वेंट के ठीक है तो ये उन्होंने बताया है अब फेस वन में क्या करते हैं बच्चे वो यूज़ करते हैं करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ गो बट क्या करते हैं कि उसको रिलेट नहीं करते पास्ट टेंस वेंट से टू प्रेजेंट टेंस गो ठीक है तो ये तरह से एक जो कन्फ्यूजन है वो क्रिएट कर देते हैं बच्चे देन हमारे पास सेकेंड जो फेज होता है उसमें वो क्या करते हैं कि गो जो होती है उस उसकी पास्ट फॉर्म गोड जो है वो यूज़ करते हैं और उसको ओवर जनरलाइज करने लग जाते हैं एंड देन हमारे फेज थ्री आ जाता है इसमें क्या करते हैं बच्चे एक्सेप्शन सीखते हैं यानी कि स्पेशल केसेस जो है वो बना लेते हैं किसी रूल को अप्लाई करने का यानी कि वो डिसाइड करते हैं कि कब अप्लाई करना है ये रूल वेंट फॉर गो और कब यूज करना है इरेगुलर फॉर्म गोड वर्ड ठीक है जो कि जी ओ ई डी एक रॉन्ग फॉर्म है उसको कब अप्लाई करना है तो वो तीसरा फेज आ जाता है तो ये हमारा ओवरऑल लेसन था आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगती है तब जाके सारी चीज़ें जो वो cover है वो कवर होती हैं अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सकें कोई बुक इन फ्यूचर अगर कवर की जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी हेल्प हो सके बाकी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़